आज हम चर्चा कर रहे हैं कि घर में मंगल कार्य अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, कब घर में शुभ कार्य सरलता से हो जाते हैं, कोई विघ्न बाधा नहीं आती? देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में आप देखेंगे या उनके जीवन में आप देखेंगे कि शुभ कार्य बड़ी आसानी से हो जाते हैं। उनके घर में हर सप्ताह में पूजा हो रही है, हर सप्ताह में कीर्तन भजन हो रहा है, समय पर शादियां हो रही हैं, समय पर संतान की पूजा हो रही है, मुंडन हो रहा है, घर में शुभता हमेशा बनी हुई है। यानी कुछ लोगों के घर में शुभ कार्य बड़ी आसानी से और हमेशा होते रहते हैं। कब होता है ऐसा? अगर घर के मुखिया की कुंडली में मंगल अनुकूल है, मंगल अच्छा है, तो घर में शुभ और मंगल कार्य हमेशा होते रहेंगे, घर में शुभ और मंगल कार्य हमेशा बने रहेंगे, घर में शुभता हमेशा चलती रहेगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है और चंद्रमा की शुभ दशा आ जाए, अंतर दशा आ जाए, या चंद्रमा की 10 साल की महादशा ही चल जाए, तो घर में शुभ और मंगल कार्य होने लगते हैं, घर में शुभता और मांगल्य हमेशा बना रहता है। जिस किसी कुंडली में बृहस्पति अगर शुभ है, खास तौर से घर के मुखिया की कुंडली में अगर बृहस्पति शुभ है, तो आपके घर में शुभ और मंगल कार्य बड़ी आसानी से लगातार निरंतर होते रहेंगे। आपके जीवन में भी शुभता रहेगी, परिवार में भी शुभता रहेगी और घर में शुभ और मंगल कार्य लगातार होंगे। 7.5 या ढैया जब उतरती है, जैसे मान लिया आपकी राशि धनु है, अभी अभी 7.5 उतरी है, तो 7.5 जब उतरने लगे, उतर जाए या ढैया उतर जाए, तो जीवन में एकदम से शुभता आनी शुरू हो जाती है। और जब जीवन में एकदम से शुभता आने लगती है 7.5 या ढैया के उतरते समय, तो घर में शुभ और मंगल कार्य बड़ी आसानी से होने लगते हैं। 7.5 या ढैया के उतरने पर क्या होता है, जीवन की जो तमाम अशुभताएं हैं, जीवन की जो तमाम मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए आपके घर में शुभ और मंगल कार्य बड़ी आसानी से होने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई संत महात्मा आशीर्वाद दे दे या किसी संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, तो भी घर में शुभ और मंगल कार्य बड़ी आसानी से होने लगते हैं। आपके घर में संतान नहीं हो रही है, आप किसी संत महात्मा के पास गए, उसने आपको आशीर्वाद दे दिया संतान होने का, संतान हो गई, आपके घर में शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। तो मुख्य बात यह है कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो आपके घर में या घर की मुखिया की कुंडली में होते हैं, जिसकी वजह से घर में शुभ और मंगल कार्य लगातार होते रहते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।